दिन से वो सब्ज़ कदम इस घर में आई है सब कुछ खराब हो रहा है। उसके आते ही तुम्हारा बाप इस घर से तो क्या इस दुनिया से ही चला गया। अच्छा, मेरी सेहत का अगर तुझे इतना ही ख्याल है तो महीने के खर्चे के पैसे बढ़ा देना ताकि दाल दलिये के साथ मैं कोई फ्रूट साथ ले आया करूं अपने खाने के लिए। अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा सुन, वो दो चार सूट शकील के लिए बनवा दे बेटा, उसकी नई नई नौकरी है, जरा आने जाने वालों के सामने ढंग के कपड़े पहनेगा तो उसकी इज्जत रह जाएगी। जी सैलरी आती है तो ये भी हो जाएगा, बस आप खुश रहा करें। राहिल तुम ही? हाँ, जब तुमने मुझे फोन पे बताया कि तुम हॉस्पिटल आ रहे हो तो मैं बहुत परेशान हो गई। क्या हो गया, किसको लेकर आए हो? मनाइल ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात होगी मैं तुम्हें फोन पर बता देता, जरा जरा सी बात पे परेशान नहीं हो जाता। जब आप तुम जानते तो हो कि मैं तुम्हारे बारे में हद से ज्यादा पोजेसिव हूँ, तुमसे जुड़ी हुई हर बात मेरे नजदीक बहुत अहमियत रखती है, इसे जैसे ही हॉस्पिटल का नाम सुना मैं इतनी परेशान हो गई। अच्छा मुझे बाद में घूर लेना, पहले बताओ तो किसको लेकर आए हो? कोई नहीं, वो ऑफिस में काम करते हैं कभी साहब, उनकी तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गए, उन्हें लाना पड़ा। जवाद, खुद आने की क्या जरूरत है, किसी और को भी तो भेज सकते थे साथ, और बता तो देते यार। अच्छा सॉरी, सिचुएशन ऐसी थी कि हॉस्पिटल आना बहुत जरूरी था, नहीं तो मैं फोन पे सारी डिटेल बता देता तुम्हें। डॉक्टर साहब तबीयत कैसी भी उनकी? तो आप खतरे से बाहर हैं, उनका ब्लड प्रेशर काफी लो है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा प्लीज उन्हें जाने मत दीजिएगा, मैंने किसी को बुलाया वो उन्हें साथ ले जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तुमने किसी को बुलाया है यानी कि अब तुम फ्री हो है ना? हाँ तकरीबन। तो कॉफी पे चले? देखो प्लीज प्लीज मना नहीं करना, हमें बहुत मजा आएगा और मैं तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, प्लीज जवाब प्लीज। हॉस्पिटल ले? हाँ है तो बिहेव कर। चले चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, क्यों परेशान? परेशान ना हूं तो क्या करूं, शाजिया और अम्मी फरमाइश पे फरमाइश करती जाती, पूरी तो आपको करनी होती है ना। अब जाहिर सी बात है वो सारी बातें सारी फरमाइशें मुझसे ही करेंगी ना, और किससे करेंगी? हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम एहसास तो करना चाहिए ना उन्हें, जितना आप कर सकते हैं उतना पूछें। खाम खा परेशान। अब देखो ना, शकील की भी जॉब हो गई है, अल्लाह ने चाहा तो एंड ऑफ द मंथ वो भी सैलरी ले आएगा, हो जाएगा सब। रहने दो, बहुत दफा देखा मैंने शकील को जॉब पे लगते हुए, कुछ दिनों में छोड़ देता है वो अपनी जॉब, उससे तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं। हमारी बेटी है, कभी उसके बारे में भी तो सोच लिया करो। अरे यार उसके बारे में सोचने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, तुम खामखा परेशान मत हुआ करो, सब फिक्रें छोड़ दो, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा। एक काम करते हैं, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बाहर? बाहर कहाँ, वैसे भी ईमान की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी का मूड भी खराब है और गुस्सा चढ़ जाएगा उन्हें। मैं बात करता हूँ अम्मी से। राहिल बच्चे? अरे यार बच्चों को फिर किस दिन ले चलेंगे, मैं तुम और गुड़िया हम तीनों चलते हैं कहीं घूम कर आते हैं, अम्मी से बात करके आते हैं। अम्मी मैंने बहुत रोका, मैंने कहा कि भाई मत जाएं, सलीम साहब पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, एक नहीं सुनी मेरी, चले गए। पता था मुझे कि ऐसे ही करेगा ये, कोई काम जिम्मेदारी से करना नहीं सीखा, बहुत लापरवाह। छोड़ें आप, ये सारी लापरवाही ना सिर्फ मेरे और आपके लिए है, अपने बीवी बच्चों के साथ कितनी जिम्मेदारी से रहते हैं आपने देखा है कभी?
सब जानती हूँ मैं, जानती हूँ। हाय हाय क्या करूँ, पता नहीं खुदा ऐसी औलाद देता क्यों जो जिंदगी में जहर घोल। छोड़े अम्मी, मेरी तो बेइज्जती हो गई ना, दिमाग खराब हो गया है मेरा। हाय मेरा बच्चा, क्या करूँ। सारा, सारा जी, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक, रो रही थी। नहीं मैं रो तो नहीं रही थी, वो बस सफाई करते वक्त कुछ आंख पे चला गया, वो साफ करने के। बाबा मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं रो रही थी। आप में अगर कुछ चला जाए ना तो नोज रेड नहीं होगी। मेरी नाक लाल नहीं हो रही, आपको बस वहम है। अच्छा खैर, तैयार क्यों नहीं हो? नहीं राहील, मेरा भाई जाने को दिल नहीं, जो आपके साथ टाइम स्पेंड करना। माँ रोना धोना हो तो तुझे मिनटों लगते हैं, और बर्तन धोने हो तो घंटों लग जाते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत सारा काम पड़ा है अभी। मेरे मौला, मेरे मौला। पापा। अरे आओ बेटा, आओ बैठो। अब तबीयत कैसी है आपकी? बहुत बेहतर। अरे परेशान मत हो, ठीक हूँ। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं परेशान ना हूँ तो फौरन से पहले ठीक हो जाए। बेटा कहा तो है ना, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। पापा कोई परेशानी है आपको, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करें। माना कि शेयर करने से कोई प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, लेकिन कम तो हो जाती है। और वैसे भी आपने तो कहा था कि मैं आपकी दोस्त हूँ, बेटी नहीं। हाँ बिल्कुल, मेरी दोस्त हूँ, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त। तो बस फिर दिल की बातें दिल में मत रखें, अपनी दोस्त से सारी बातें शेयर करें। बेटा तुम्हें तो पता है कि मैं अपने दिल में कोई बात ज्यादा देर रख ही नहीं सकता, लेकिन मुझे फिक्र यह है कि अगर ये बात बाहर आ गई ना तो और बहुत सी बातें खुल जाएंगी। कौन सी बात? प्लीज पापा मुझे बताएं आप क्यों परेशान हैं। बताऊंगा मेरी जान, बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसे अपने जहन में क्लियर कर लूं। ओके है लड़की, रोना धोना हो तो तुझे मिनटों लगते हैं, और बर्तन धोने हो तो घंटों लग जाते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत सारा काम पड़ा है अभी। जी मम्मा। हम्म, आज अली को उसकी टीचर से डांट पिटी थी। क्यों? उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो खुद तुम दोनों का होमवर्क कंप्लीट करवाया, तो फिर टीचर ने क्यों डांटा? पता नहीं,
अली कह रहा था कि उसकी कॉपी में से किसी ने पेज फाड़ा था। मुझे लगता है कासिम ने तो नहीं। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, निम्रा आप झूठ बोल रही हैं। मैंने अपना होमवर्क पूरा किया था। मैं जानती हूँ मेरी जान, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था। आप ऐसा करो, आप अपनी कॉपी लाओ, फिर होमवर्क करते हैं, ठीक है? नहीं मम्मा, कल छुट्टी है ना, कल कर लेंगे। आज मामू के घर चलते हैं। मामू के घर? मामू के घर क्यों जाना? जी मम्मा, चलने हैं मम्मा। अच्छा ठीक है, पापा आ जाए फिर चलते हैं, ठीक है? ठीक है मम्मा। चलो तुम तो अपना होमवर्क कम्प्लीट करोगी ना, जाने से पहले अपनी कॉपीज लेके आ जाओ, ठीक है? मेरी जान, मैं गुड्डू, मैं बेबी। तुम इस तरह करना कि किसी को मत बताना कि तुम्हें अली ने बताया, ओके? क्यों अम्मी? क्यों? इसलिए कि कोई तुम्हें घुमाने नहीं लेके जाए। तुम बस मामू जब आए तो उनसे कहना कि मामू तुम्हें घुमा लाए, ठीक है? ठीक है, चलो चलो। अम्मा वो कासिम जिद कर रहा था कि उसे घुमा के लेके आऊं। हाँ तो ले जाओ, बल्कि खुद भी चली जाओ, अच्छा है, दिल बहल जाएगा। सारा दिन घर में बैठे बैठे बंदा उकता जाता है। लेकिन अम्मा अकेले जाना तो अजीब लगता है ना, ऊपर से ट्रैफिक के हालात देखें, खौफ आता है। आप राहील को कहें ना कि हमें ले जाए। अरे उससे कहा तो उसके बच्चे भी साथ लग जाएंगे, हाँ मखामे। तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई उस सबस कदम के बगैर तो हिलता तक नहीं। अच्छा भाई मुँह ना बना इस तरह, कह दूंगी उसे। ठीक है मैं अभी कासिम को तैयार करती हूँ। अरे उसे आने तो दे, अभी खाना वाना खाने दे उसे, फिर उसका मूड देख के बात करूंगी। क्या मतलब मूड देख के बात करूंगी अम्मा? आप कहेंगे तो वो टालेगा क्या? नहीं भाई क्या पता कल के बाद उनमें क्या खिचड़ी पक रही होगी, कोई नया नाटक ही ना बना लेना। बस अम्मा क्या हो जाएगा जो हमें घुमा लाएगा? इतने अरसे के बाद तो मेरे बच्चे ने फरमाइश की है, मैं बस उसे तैयार करने जा रही हूँ, आप उसे बात। अरे मेरा क्या, ये अपनी माँ के बगैर कैसे जाएगा? कट लग गया, मैंने इनसे कहा था अपना काम ना करें, मुझे करने दें। क्यों तुम्हें क्यों करने दूं? तुम कौन सा शादी करके इस घर में आ गई? अगर आने से पहले इसने कुछ काम कर लिए तो क्या फर्क पड़ता? आप बिला वजह की जिद कर रहे हो। बिला वजह की जिद? मैं जिद नहीं करी, तुम कर रहे हो। क्यों देर कर रहे हो? ये जब शादी करके इधर आ जाएगी ना तो देखना मैं कैसे पूरे घर के काम इससे कराऊंगी और खुद बैठ के हुक्म चलाया करूंगी। आप क्या चाहती हैं कि मैं जल्दी शादी कर लूं? हाँ मनाइल तुम क्या कहती हो? जो बड़ों की मर्जी है भाई मेरी मर्जी है। एक बात कहूं,
और से सुन। हाँ कहो। आप लोगों ने जो कहा और मामा की उंगली से ये बहता हुआ खून देख तो बहुत मुतासर हो गया, लेकिन अगर ये कैचअप थोड़ा सा चाकू भी लगा देते ना और ये कैचअप की बोतल लड़ा देते तो आप लोग का ड्रामा कामयाब हो जाता। जगह मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखा ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नाराज कर दिया उनको, मुझे मनाना पड़ेगा अब। मामा मामा, अगर ये ऐसी हरकत करे तो समझ में आता, लेकिन आप उसके साथ ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हैं? तो क्या करते हम माँ बेटियां, तुम मान भी तो नहीं रहे, इतनी देर लगा रहे हो। ठीक है मामा, अब कोई टाइम नहीं पड़ेगा, जो आपका दिल करे आप वो टाइम रखें, मगर 2-3 महीने के बाद। 2-3 महीने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। 2-3 महीने कोई नहीं, बस मैंने कह दिया अगले महीने की तारीख होगी और बस। चलो आओ। हाँ तो हम ऐसा करेंगे कि उसके बाद हम लोग जो है काम हमारे पास इतने सारे। अबूजान, वाह अबूजान, आज आप मुझे कहीं घुमाने लेकर चले। अच्छा, कहाँ चलेगा? कहीं भी, आप, मैं और मम्मा। अच्छा, कल देखते हैं। क्या मतलब देखते हैं? इतने अरसे बाद भांजे ने पहली दफा फरमाई थी। ठीक है, तुम तैयार करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अरे मेरा क्या, ये अपनी माँ के बगैर कैसे जाएगा? चल तुम भी तैयार हो जाओ, मैं भी आता हूँ। अच्छा हुआ जो मेरे कहने पे ही मान, वरना अम्मा से सलवातें सुनने को मिलती। चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात है भाई, मुझे बगैर बताए कहाँ जाने की तैयारी है? मामू के घर जा रहे हैं। बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, काफी अरसे से नहीं गए मामू के यहाँ, तो मैंने भी सोचा कि चलते हैं। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप ऐसा करें आराम कर लें, हमें कोई जल्दी नहीं है ना बच्चों? नहीं, वो क्या हुआ राहिल, सब ठीक तो है ना? निम्रा ऐसा करो, पापा के लिए पानी ला जल्दी से, थके हुए होंगे ना। और आप ये शहजादे, आप ऐसा करें कि आप देखें कि कपड़े सूख गए हैं ताकि मैं जल्दी से उतार लूं, ठीक है? शाबाश, भागो भागो भागो। अब बताएं क्या बात? कुछ नहीं यार, मैं घर आया हूँ तो कासिम ने मुझसे कहा कि बाहर घूमने के लिए चलते हैं, और छोटी ने सुन लिया, फिर हाँ में हाँ मिलाई कि मैं भी चलूँ। तो आपने उनसे हामी भर ली है ना? अरे राहिल क्या हो गया है, इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है इसमें? अरे यार बच्चों ने प्लान किया हुआ है, वो एक्साइटेड। कोई बात नहीं, आप बच्चों को लेके जाएं, मैं फिर कभी चलूं। बच्चे तुम्हारे बगैर एंजॉय नहीं करेंगे। चलें। नहीं, मैं मम्मा के बगैर नहीं जाऊंगी, आप जाएं। भाई हमने प्लान किया है कि सिर्फ बॉयज जाएंगे और गर्ल्स जो हैं वो घर पे रुकेंगे। पर पप्पो क्यों तैयार हो रही हैं? वो तो गर्ल है ना, तो वो क्यों जा रही हैं? अली इधर, देखो हम ऐसा करते हैं कि हम फिर कभी चलते हैं, ठीक है? हम आज नहीं जाएंगे, हम फिर कभी चलते हैं, बहुत मजा करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, फन लैंड जाएंगे, ठीक है? मम्मा पप्पा हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं? अरे मेरी जान, पप्पा हमारे साथ ऐसा जानबूझ के नहीं करती,
वो तो बड़ी है ना, और बड़े कभी गलतियां नहीं करते। देखो इधर सैड फेस क्यों बना रही, सैड फेस, हैप्पी फेस, हैप्पी फेस। ओए मेरी जान, शाबाश। अम्मी मुझसे कसम ले ले, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकली। अरे हाँ हाँ, तूने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं तुझसे आज खुल के कहती हूँ कि तू अभी के अभी अपने बच्चे उठा और इस घर से निकल जा, समझ आई तुझे? सांसों का चले क्या कारवां मेरे मौला, बसाया मेरे।